नमस्ते जी, कैसे हैं आप सब? गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज हम जा रहे हैं अमृतसर में। सबसे पहले जाएंगे डीकैथलॉन में, वहाँ कुछ काम था यार और शॉपिंग वगैरह करनी थी। उसके बाद जाएंगे गोल्डन टेंपल और अगर टाइम मिला, क्या पता परेड आज हो या नहीं हो, अगर होगी तो बाघा बॉर्डर भी ज़रूर जाएंगे। तो चलो आज की दिन करते शुरुआत। तैयार वार हो गए हम, रेडी वेडी हो गए, तो अभी चलो चलते हैं। तो गाइस अभी हम निकल चुके हैं घर से और हमें यहाँ से लगेगा करीब 1.5-2 घंटा। अगर बीच में ब्रेक लेते लेते चलेंगे तो भी 2-2.5 घंटे मैक्स। और भाई को भी आज छुट्टी है तो भाई भी साथ है, अंकु फॉलो कर दे। तो बाकी देखो मौसम, गर्मी तो बहुत है लेकिन गाड़ी में, उसके बाद चल जाएंगे सीधा वहीं मॉल में। तो बाकी देखिए वहाँ पे किस हिसाब से, ऐसे मेरा पता है वहाँ तो बुरा हाल होने वाला है। तो चलो देखते, जैसे भी होगा आपको पता लग ही जाएगा। चलो गाड़ी चला रहा हूँ ना, देखना मुझे ना थोड़ी सा अलाइनमेंट का इशू लग रहा है, बाकी पता नहीं, लेकिन मुझे ऐसा फील हो रहा है थोड़ी लेफ्ट साइड जा रही गाड़ी। बाकी चलो अभी थोड़ा ना, तभी हमने थोड़ा दूर का प्लान इसलिए बनाया था कि गाड़ी अगर कोई प्रॉब्लम हो तो पता लग जाएगी और फिर हम उसको ठीक करवा के फिर जब ट्रिप पर निकलेंगे तब कोई प्रॉब्लम ना हो, तो इसलिए करते हैं जो भी देखते हैं जुगाड़। ओके तो गाइस अभी हम पहुँच गए हैं बरनोटी और ये यहाँ हमारे घर से करीब 13 किलोमीटर दूर है। और यहाँ नीचे को चला जाता तो कठुआ जो मेन बाज़ार है या जो भी हमारा सेक्रेटरेट वगैरह DC ऑफिस सब नीचे है, SSP ऑफिस इवन, तो इस साइड है यहाँ से ये गया रोड नीचे को। तो यहाँ पहले क्या होता था, बसेस वगैरह जाती थी नीचे, तो वहाँ पे ना कुछ एक्सीडेंट बड़े ज़्यादा होने लग पड़े क्योंकि अंदर काफ़ी क्राउडेड ऑब्वियसली पता है। वहाँ पे सारा ये देखा काम शाम भी काफ़ी लगा हुआ है। और तो क्या बता रहा था मैं कि हाँ बसेस अंदर जाती थी तो काफ़ी क्राउडेड रहता था, तो वहाँ पे 2 दिन एक्सीडेंट हुए इकट्ठे ही हो गए, मतलब विद इन वीक भी हो गए थे वो। तो उसके बाद फिर यहाँ से बसेस को अंदर जाना अलाउ कर उन्होंने बंद कर दिया कि हाँ भाई अभी तुम यहाँ से नहीं जा सकते अंदर, तो अभी आगे से आते हैं हटली मंडी हाँ आपको कहाँ से आते हैं। और ये आ गया हमारा GDC, नॉट GDC, एक डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है और ये ऊपर वाली साइड कॉलेज है और सामने पिछली बात है। तो ये आ गया अटली मोड, यहाँ से जाती है नीचे को बसेस और जो हमारे कठुआ बस स्टैंड है यहाँ पे है। तो ये गया नीचे का। सर अभी सोच रहे हैं गाड़ी का ना पोल्यूशन बनवा लेते हैं, तो अभी लगा रहे हैं गाड़ी। बाकी ना अभी यार थोड़ी प्यास भी लग रही है, हमने सामान वैसे सारा पैक किया था लेकिन पानी के लिए कुछ नहीं लिया। हो गया तो ये देख लो भाई, ये बन गया हमारा पोल्यूशन सर्टिफिकेट। तो चलो अभी निकलते हैं, आगे गाड़ी लगी है। तो अभी हम पहुंचने वाले हैं अपने लखनऊ बॉर्डर पे, जो कि फेमस है 2 चीज़ों के लिए। एक तो ऑब्वियस ही बात है कि यहाँ से हम जम्मू कश्मीर में एंटर होते हैं या एग्ज़िट होते हैं, और दूसरा यहाँ पे राम लड्डू मिलते हैं, जैसे हमारे लोकल में इसको बोलते हैं पल्ले, वैसे ऑल ओवर इंडिया से राम लड्डू बोलते हैं। तो ये देख लो भाई, ये है वो जगह, ये देखो ये सारी दुकानें सर लेफ्ट में और यहाँ पे राइट में भी, और इसमें ना ये छोटे छोटे जो स्टॉल लगे ना, ये बस बस रुके या कोई गाड़ी रुकी ना अभी पर्सनल व्हीकल इस पर भी आते हैं। और अभी खाते हैं वो बॉर्डर कहाँ पे आगे रखे बॉर्डर में, ये देखो सारे टूरिस्ट रुके हैं ये गाड़ियाँ और यहाँ पे मैक्सिमम लोग रुकते हैं। तो ये है बड़े फेमस है, आप भी अगर आओ यहाँ पे तो ज़रूर ट्राई करो। अभी हम आपको दिखाते हैं बॉर्डर, देखो ये आ गया भाई हमारा क्या बोलते हैं जो बॉर्डर है। और अभी यहाँ पे टोल टैक्स लगता है, लेकिन तो ये अभी हम एंटर हो गए हैं, वैसे तो अभी भी हम J&K में ही हैं, एक्चुअल बॉर्डर जो आगे आएगी वो भी आपको दिखाएंगे, लेकिन ये बैरियर इसको ऐसे बोला जाता है कि बस ये गेट वे है जम्मू कश्मीर का। ये देखो ऊपर जलंधर पठानकोट या पठानकोट, यहाँ से नियर अबाउट 20 किलोमीटर है। अब हम जिस ब्रिज पे चढ़ने वाले हैं ये है एक्चुअल में जम्मू कश्मीर और पंजाब बॉर्डर। तो ये जो जियोग्राफिकली हमारा जो बॉर्डर है वो यही बनाती है, यही रिवर है। ये देख लो इस साइड पाकिस्तान है राइट में,
और लेफ्ट में हिमाचल जो पीर पंजाल रेंजेस है वो दिखती है यहाँ से। डलहौजी यहाँ से पास ही है, नियर अबाउट 80 किलोमीटर है यहाँ पे सामने पंजाब। राइट साइड में 10-12 किलोमीटर पे आ जाएगा तुम्हारा पाकिस्तान। तो हर इंटरनेशनल नेशनल जो लोकेशन है घूमने वाली सब ही है यहाँ पे। इंटरनेशनल ट्रैवल करना है तो पाकिस्तान चल जाओ, और अगर अपने घूमना है तो ऑब्वियस बात है हिमाचल और जम्मू कश्मीर से क्या बेटर है, कुछ भी नहीं। भाई साहब यहाँ देखो ये नया खुला है, आते हुए आएंगे इस साइड, क्योंकि इस साइड से तो आगे टर्न ही नहीं है, आगे जितनी दूर होगा तो क्या फ़ायदा, आते साइड रुके यहाँ पे। गाड़ी ये जो आगे गाड़ी आ रही है ना, इसका नंबर है JK02, उसके आगे जो गाड़ी जा रही थी वो भी JK02 थी। मतलब जम्मू की गाड़ियाँ जा रही हैं, मेरे को ये समझ लग रहा है कि लोग पूरी दुनिया जम्मू एंड कश्मीर में आ रही है लेह लद्दाख, ये कहाँ जा रहे हैं मेरे को ये नहीं समझ लग रहा। तो बाकी ये देखो ये भी राइट साइड में गाड़ी है, ये भी अमन कश्मीर की है देखो JK02। जम्मू के लोग मेरे को समझ लगता है इस साइड कहाँ जाते हैं, जबकि इनको वहाँ पड़ता है। वही बात है ना कि घर की मुर्गी दाल बराबर, जिनके बिल्कुल पास है वो जा ही नहीं रहे, और क्या पता है इतना घूम लिया कि हाँ भी इनका मन ही नहीं करता, वो भी हो सकता है। लेकिन तब भी बाकी लोग देखो ना कितनी दूर दूर से आ रहे हैं जम्मू कश्मीर घूमने की, हाँ भाई हम वहाँ जाएंगे, और ये वहाँ से निकल रहे हैं कि हम कहीं और जाते हैं। तो अभी हम आ चुके हैं यहाँ पे मलिकपुर बाईपास में, और यहाँ से लेफ्ट अगर लोगे तो आप चलोगे पठानकोट सिटी, और यहाँ 100 मीटर आगे भी एक लेफ्ट का डिवर्जन है जो कि जाएगा आपका चंडीगढ़ जलंधर लुधियाना जो भी इस साइड है, और सीधा अगर जाओगे तो आप चले जाओगे अमृतसर। तो अभी हम जाएंगे सीधा, ये देखो ये वाला जो लेफ्ट में डिवर्जन है ये जा रहा है आपका पठानकोट सिटी के अंदर, और ये सामने है ये मैं आपको आगे भी दिखाता हूँ। आप इस साइड आ रहे हो तो आप जस्ट 100 मीटर आगे आपको लग जाएगा पता कि ये देखो ये लेफ्ट में है बाईपास, और ये जो रोड गया ये गया जलंधर लुधियाना चंडीगढ़, इस साइड जाते हैं अम्बाला अम्बूला, और ये है सामने सीधा अमृतसर के लिए। ये वाला हाईवे आप ये बिल्कुल हाईवे अमृतसर तक, तो मज़ा आ जाएगा ड्राइव करने में। चलो चलो हम बाहर से निकलते हैं क्योंकि हमें तो टाइम लगेगा अगर पीने बैठ गए यहाँ पे। तो अभी हमारे राइट साइड में आ गई चौहान मेड सिटी, यहाँ काफ़ी फेमस हॉस्पिटल है, और ये इसी रोड पे है अमृतसर वाले रोड पे है। तो ये पठानकोट बाईपास मैंने बताया था ना, वहाँ से नियर अबाउट 7 किलोमीटर है, और यहाँ से लेफ्ट ले सकते हैं आप नीचे बाईपास, ऊपर मत चढ़ना फ्लाई ओवर के, और नीचे से इसके रास्ता है। तो ये वो चौहान मेड सिटी, अगर आपको कभी भी, क्योंकि हमारे यहाँ जम्मू में काफ़ी लोग यहाँ पर आना ही पड़, मतलब अगर कोई प्रॉब्लम हो वैसे, ऐसा तो कंपलसरी हुई है नहीं लेकिन वैसे, इसलिए रेफरेंस के लिए बता दिया आपको। ला 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 ला। चलो भाई फास्ट टोल आ गया हमारा। तो रुक गए हैं गन्ने का जूस पीने के लिए, गर्मी बहुत ज़्यादा है। मैं लिटरली बता रहा हूँ कि ये यहाँ पे ना ये अभी भी गर्म है, क्योंकि ए सी ऑन है, ये गर्म है तब भी, इतनी गर्मी पड़ रही है। तो अभी यहाँ बाहर पी रहे गन्ने का जूस, फोन आ गया। तो गाइस अभी हम पहुंच गए हैं, हम पठानकोट क्रॉस कर लिए, और यार प्यास बढ़ लग रही है। एक्चुअली खाना खुना तो हम ठीक ढंग से खा गए थे, मम्मी ने ठीक आने ठुसा दिया, उनको पता था कि हम ऐसे बाहर खाने में ज़्यादा खर्चा कर देंगे, इतना हम बाकी काम जो आए हैं वो उस पर नहीं करेंगे, इतना हम खाने में कर देंगे। तो इसलिए खाना वाना खा के आए थे, लेकिन प्यास बढ़ लग रही है, पानी की बॉटल नहीं लाए, तो अभी कहीं देखते हैं पानी पियेंगे या फिर गन्ने का जूस। गन्ने का जूस पीना तो और प्यास लगती है, इसलिए पानी बॉटल देखते हैं। और चक्कर पता क्या है, जब इतनी गर्मी मतलब चल रहा हो ना, तो यार गाड़ी से बाहर निकलने मन नहीं करता, फिर बंदा सोचता कि पहले पहुँच जाए फिर बाकी चीज़ें बाद में। तो चल देखते हैं, अब कहीं रुकना तो पड़ेगा, कैसे दूर है सफ़र, इतना भी छोटा नहीं है जितना हम सोच रहे हैं। तो चलो देखते हैं कोई दुकान और उसके बाद पानी बॉटल ले लेंगे। मज़ा आ गया भाई, ठंड पड़ गई, सीरियसली ठंड पड़ गई।
बाकी फिर कुछ खाने को पॉइंट नहीं दिख रहा। अभी सोच रहे हैं डब डूबे बैठ दें क्योंकि भूख लगी है। रहता है यहाँ से नियर अबाउट 40 किलोमीटर्स, 40 है ना, 40 किलोमीटर है, और लग जाएगा आधा घंटा, आधा घंटा नहीं 40-45 मिनट्स लग जाएंगे। हम सोच रहे हैं सीधा जाके वहीं जाके कुछ खाएँ, चलो जैसा भी होगा देखते हैं। तो यार काफ़ी टाइम हो गया था, कुछ मिल नहीं रहा था। ये देखो कितना सही चलना है यहाँ पे, आगे सबवे, लानोज़ो पिज़्ज़ा आगे, लेकिन हम तो यहीं जाएंगे। ओके तो ये हमें लेडी कैन है कोल्ड ड्रिंक कुछ पीने के लिए, और ये हमारा सबवे, खाते हैं खाते हैं अभी। चलो तो अभी खा ली हमने यहाँ, पेट वो जो करनी थी कर ली है, अभी यहाँ से निकल रहे हैं। ये देखो बस अभी चलते हैं आगे सीधा अमृतसर, अब आएगा मज़ा। पहले टेंशन हो रही थी क्या खाएंगे, मिल ही नहीं रहा था कुछ। चलो अब चलते हैं, अब डलवाना है सच तेल मतलब ऑयल, और बस उसके बाद फिर सीधा अमृतसर। अब डलवाने लगे यहाँ पे पेट्रोल, पंजाब में सस्ता यार। यार मैंने देखा कि जो पेट्रोल है ना यहाँ पंजाब में 96.78 है, और जो हमारे जम्मू कश्मीर में 97.60 है। कल मैंने डलवाया था तो पंजाब में अभी ऑयल सस्ता हो गया, तो शायद गवर्नमेंट चेंज की वजह से कुछ भी है मतलब, लेकिन पंजाब में जो ऑयल है वो सस्ता है। तो भाई देखो एकदम से धूप थी, और यहाँ देखो मौसम कितना सही हो गया। ये बटाला का रोड बाईपास है यहाँ से, और अभी हम अमृतसर पीछे ही हैं, थोड़ा ही रह गया, लेकिन तब भी देखना है क्या चक्कर है यहाँ, बिल्कुल मौसम कुछ अलग ही है। अभी आके धूप दिख रही है, तो 500 मीटर आगे धूप है फिर से, मैं 500 मीटर पीछे ही शुरू हुआ ये ड्रामा, देखना क्या चीज़ है। देखो पूरा इस साइड वाला ऐसे लग रहा है कि बेल्ट है वो उधर तक पूरा, देखो आगे धूप आगे, फिर ये देखो जैसे फ्लाई ओवर उतरेंगे वो देखो धूप, मैं दिखाता हूँ बस ये लिखो धूप में आगे है ना, सही भगवान करे ऐसा आगे पूरा तक होता तो मज़ा आया था, लेकिन चलो। तो अभी देखो ये हो गया फिर से ख़त्म, और इसके बाद आ रहा है फिर से धूप आ गई। अभी मेरे को तो ऊपर से जाना हुआ फ्लाई ओवर है सामने, आप देख लो टेम्परेचर देख लो 44 डिग्री सेल्सियस है, और बाहर देखना कितना सही मौसम हो गया। अब ये फिर से वैसे ही जैसे पहले हुआ था ना वैसे ही है, लेकिन यही मज़ा आ रहा है यहाँ पर ड्राइव करके ना, ऐसा ही मौसम रहे तो क्या हो जाएगा यार, बिगड़ क्या बिगड़ जाए। वैसे जून है, जून या जुलाई है, उसके बाद तो फर्क थोड़ा पड़ ही जाएगा। तो भाई साहब ये है राइट टर्न, यहाँ से लेंगे तो हमारा अमृतसर आ जाएगा, और अमृतसर में इसलिए बोल रहा हूँ कि अमृतसर को ही अमृतसर बोलते हैं जिनको नहीं पता, ऐसे तो मैक्सिमम को पता ही होगा। और ये देख लो फिर से धूप फिर से वैसे चढ़ गई जैसे पहले थी। तभी ये बाईपास है बेसिकली, ये शहर के बाहर बाहर से जाएगा, और ये आगे मिल जाएगा बाघा बॉर्डर वाले रोड पर, तो जो डी का सलोन है वो भी उसी साइड पर है, तो हमने सोचा बाईपास ले लेते हैं क्यों शहर की ट्रैफिक में फंसना। आगे ना आग लगी है, लगी है मैंने लगाई है। ये है जो इनकी स्टेट गवर्नमेंट की जो बस डिपो है, ये यहाँ पे देखो बसेस, सारी बसेस लगी नीचे, पर उन्हीं ने वहीं लगी है शायद आगे, ये देख लो आप लगाइए। तो ये है, चलो अभी सर्च करते हैं हमने मैप पे लगाते हैं, और इसके बाद फिर वहाँ पहुँच के आपसे मिलते हैं। तो अभी हम पहुंच गए यहाँ पे, हम पार्किंग ढूंढ रहे हैं यार, पार्किंग बहुत ज़्यादा मुश्किल से मिलेगी। चलो छेती मुड़ आनी होना,
यार अभी पता लगा तेरे को क्या लगता है कौन सी ले? ये तो गाइस अभी हमने सोचा कि हम अभी जाएंगे आगे बागा बॉर्डर।